everyone, this is Kavita and welcome to my channel Food and Beverage. आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नॉन वेज रेसिपी. इट्स वेरी सिंपल. इट्स कॉल्ड चिकन फ्राइड और फ्राइड चिकन. एंड मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फूड कलर का यूज़ नहीं करूँगी. तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है. फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ चिकन विद बोन्स एंड विदाउट बोन्स. आप कोई भी ले सकते हो, ये तो हम घर पे बना रहे हैं ना. और स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, और इसको ज़्यादा तीखा बनाने के लिए मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक. आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो. बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है राइस फ्लावर. आप चाहो तो कॉर्न फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसे स्किप मत करना, नहीं तो आपके चिकन फ्राइड क्रिस्पी नहीं बनेंगे. और मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, और एक आधा नींबू का रस मैं निचोड़ के डालूंगी चिकन में. अभी ये जो जितने भी स्पाइसेस है वो सब मैं चिकन के ऊपर मैं डाल रही हूँ, सबका सब मैं यहाँ डाल रही हूँ, और जितने भी बाइंडिंग की चीज़ें हैं वो सब भी मैं डाल रही हूँ. सब कुछ अच्छे से डाल दीजिए, और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे हमारा ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल दिया, और ये जो नींबू है इसका भी मैं जो जूस है इसको मैं निचोड़ के इसमें डालूँगी. ये मैंने अच्छे से इसको निचोड़ के डाल दिया इसका रस, और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी अपने हाथों से. मैरिनेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका जितना भी स्पाइसेस है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के साथ. और आप चाहो तो इसमें फूड कलरिंग का भी यूज़ कर सकते हो, रेड फूड कलरिंग का, लेकिन मुझे फूड कलर पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है. आप चाहो तो डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आपको रेस्टोरेंट जैसा दिखने लगेगा. और मेरा चिकन जो है वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने हल्का सा पानी डाल दिया इसमें. बस हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है. अब इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे आप मिक्स कर लेना. दीजिए, हो गया ये. अब मैं हमारे मैरिनेट किए हुए चिकन के ऊपर ये प्लेट डाल के इसको कवर कर रही हूँ, और इसे 2 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी मैरिनेशन के लिए. आप चाहो तो 1 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हो. अभी मैरिनेट किए हुए चिकन को मैं इस गरम तेल में डाल रही हूँ एक के बाद एक. आप इसमें ओवर चिकन मत डाल दीजिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप 1-2 बैच करके बनाइएगा. मैंने इसमें ये पहला बैच डाल दिया चिकन का, तो अभी इसका जो फ्लेम है उसको आप मीडियम रखिएगा, और थोड़ी देर बाद इसको लो पे रख दीजिएगा इसकी फ्लेम को. तो ये अभी फ्राई होना शुरू हो गया है. अब मैं इसको पलट पलट करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ. इसको आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा तेल में, और इसको आप लगभग 8-10 मिनट्स आप फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से लो फ्लेम में. हल्का सा लो फ्लेम करना है बस, और ये पक जाएगा. आप इसको तब तक पकाइए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए. ये देखिए, ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा चिकन का कलर एकदम चेंज हो गया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी एंड यमी लग रहा है. तो लीजिए, हमारा टेस्टी एंड यमी फ्राइड चिकन एकदम रेडी है. ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, और मैंने इसको प्याज और एक नींबू के साथ गार्निश किया है. ये काफ़ी टेस्टी बनता है खाने में. आप ज़रूर इसको ट्राई करना, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.